सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। महिलाओं पर जोर जुलम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पर जोर जुलम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी फर्क करो। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के खिलाफ वकीलों के संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है। वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की दिल्ली राज्य इकाई ने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। सरकार डाउन 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 मणिपुर सरकार डाउन 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 ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद। मणिपुर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनियन के दिल्ली राज्य इकाई के सचिव अधिवक्ता सुनील कुमार ने मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न परेड कर घुमाने पर विरोध जताया है। आज हम आए हैं मणिपुर के हिस्सों को लेकर। आप देखिए जिस तरह से जो वीडियो सर्कुलेट हुई हैं, जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से बेइज्जती किया जा रहा है, उनकी अस्मिता को एकदम तार तार किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बेशर्म वाली घटना है। और सरकार टोटल सरकार का फेलियर है। ऐसा लगता है कि कहीं 2002 की वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। जिस तरह से 2002 में जिस तरह से खुली छूट दी गई, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में भी लोगों को, एक विशेष लोगों को खुली छूट दी गई है। लोग मार रहे हैं, लोग घर जला रहे हैं, लोग जो है महिलाओं का रेप कर रहे हैं, नंगा घुमा रहे हैं। ये क्या हो रहा है ये? और ये बड़े शर्म की बात है। लगभग 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने में एक भी स्टेटमेंट नहीं आता पीएम का। जबकि छोटी छोटी चीजों पे, किसी की शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है, तो साहब जो है वो ट्वीट करते हैं तुरंत, एकदम मैसेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का फेलियर है, ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। टोटल ये बहुत 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 एकदम ये टोटल फेलियर है सरकार का। और सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को इसमें, और सोचना चाहिए भाई क्या हो रहा है वहां पे। लोगों को घर से जलाया जा रहा, लोगों को घर मारा जा रहा, 200 से ऊपर लोग हत्याएं हो चुकी हैं, महिलाओं की इज्जत लूट रही है, और आप क्या कर रहे हो आप ये? और अभी तक उनके कोई अरेस्टिंग नहीं है, 0 FIR दर्ज होती है, 0 FIR। जबकि वीडियो में क्लियर कट उनके चेहरे देखे जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके पीछे सरकार या स्टेट का हाथ है जो इनको खुली छूट दे रही है। इसका हम एकदम सरासर विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय की महिलाओं सार्वजनिक तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाना और फिर उसके साथ गैंगरेप करना विचलित करने वाली घटना है, ये मानव चेतना को हिला देने वाली है। यूनियन ने कहा है कि ये घटना तब प्रकाश में आई जब इसका वीडियो वायरल हुआ, जबकि इस मामले में FIR काफी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। मणिपुर में चल रही हिंसा पर केंद्र और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का फैसला किया। यूनियन ने मांग की है कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना आगे न हो, इसके लिए भी सभी जरूरी उपाय किए जाएं। नरेंद्र मोदी फर्क करो, फर्क करो, फर्क करो। नरेंद्र मोदी फर्क करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।